दोस्तों, हमारी धरती कई अजीबोगरीब और अमेजिंग क्रिएचर से भरी पड़ी है। आपने इस दुनिया में कई सारे जानवर तो देखे ही होंगे, जिनमें कुछ प्यारे और कुछ मासूम है, कुछ डरावने और कुछ खतरनाक। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आप लोग कृपया सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। बैरलाई फिश। इसे देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि ये किसी एनिमेटेड फिल्म का कैरेक्टर हो और इस फिश का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दोस्तों ये सच में एग्जिस्ट करती है। पैसिफिक ओशियन में रहने वाली ये मछली अपने ट्रांसपेरेंट सर और आंखों की वजह से मशहूर है। इस मछली के देखे जाने के बाद ही ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही बड़ी पहेली बनी रही थी, क्योंकि वो इसके नाक को इसकी आंखें समझ रहे थे। बाद में उन्हें पता चला कि इनके आंखें इनके ट्रांसपेरेंट सर के अंदर ही मौजूद हैं, जिनका रंग भी अलग से ग्रीन कलर का है। फिर बाद में पता चला कि ये मछली अपने ट्रांसपेरेंट सर में सिर्फ ऊपर की तरफ ही देख सकती है, वो भी 800 मीटर की दूरी तक। इसे देखकर इंसान कुदरत की कारीगरी को दाद दिए बिना नहीं रह सकता। ब्राजीलियन टी होपर। अगर आप इस दुनिया की तमाम अजीबोगरीब क्रिएचर्स के बॉडी पार्ट्स को मिक्स कर एक नई क्रिएचर बनाएंगे, तो वो एक बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी दिखेगी और वो बिल्कुल ब्राजीलियन टी होपर की तरह दिखेगी। इस इंसेक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी हॉरर मूवी का मॉन्स्टर हो। इस कीड़े के सर के ऊपर बॉल्स की बनावट कुछ कुछ हेलीकॉप्टर की जैसी है और इसके पंखों की बनावट छतरी जैसी है, जो इसे ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में समय समय पर होने वाली बारिश से बचाते हैं। बाल डुकारी। बाल डुकारी बंदरों की एक नस्ल है। साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले इस बंदर के फीचर्स काफी हद तक इंसानों से मिलते हैं। इसकी बॉडी पर लंबे और घने बाल होते हैं, बल्कि इनके चेहरे और सर पर बाल न होने के बराबर होते हैं, और इसका चेहरा और सर बहुत ही लाल होता है, इसीलिए इसे बाल डुकारी कहा जाता है। जिस बंदर का सर और मुंह जितना ज्यादा हेयरलेस और लाल होता है, वो इतना ही ज्यादा हेल्दी होता है। जब ये बंदर पैदा होता है, तब ये पूरी तरह बालों से भरा होता है, मगर जैसे जैसे ये जवान होता है, इसके चेहरे और सर के बाल झड़ जाते हैं और इसका लाल मुंह निकल आता है। द लैम्प्री। इस मछली को देखते ही कोई भी डर जाएगा। इसकी बनावट किसी जानवर के दुम के जैसी होती है। इसका मुंह एक डिश की छतरी की तरह होता है, जिसमें दांत ही दांत होते हैं। ये मछली अपने शिकार की बॉडी में अपने दांत को गाड़ देती है और उसकी बॉडी में ड्रिल की तरह छेद कर उसका खून पी जाती है। इसके शिकार की बॉडी में गहरे जख्म हो जाते हैं और इसे जख्मों की वजह से इसका शिकार तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। ये मछलियों की बहुत ही करीब नस्ल है और ज्यादातर ये नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक में पाई जाती है। ये मछली अपने आप में एक साइको किलर है, जो शिकार को तड़पा तड़पा के मारती है। रिबन वॉर्म्स। ये रिबन वॉर्म्स गहरे पानियों और चट्टानों में रहते हैं। इनकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई अभी तक नोट नहीं की जा सकी, क्योंकि इन्हें खींच कर सीधा कर पाना नामुमकिन है। अभी तक जो भी लंबाई नोट की गई है वो 98 फीट है, जो कि इसे दुनिया का सबसे लंबा कीड़ा बनाती है। इन वॉर्म्स के शिकार करने का तरीका भी बहुत ही अलग है। ये अपने मुंह से जाल की तरह एक शाखाएं शिकार के ऊपर फेंकता है और फिर उसे जिंदा निगल लेता है। इन शाखाओं को प्रोबोसिस कहा जाता है। खतरा महसूस होने पर ये अपने प्रोबोसिस को निकाल कर अपना बचाव करता है। रिबन वॉर्म की खास बात यह है कि ये अपने आप को तोड़ सकता है। ऐसे ही खुद को तोड़कर अपनी तादाद को बढ़ाता है और इसके हिस्से भी मिनटों में बड़े हो जाते हैं। सच में दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का जीव है। ब्लॉब फिश। ये है दुनिया का सबसे अगलीस्ट एनिमल। ये बदसूरत मछली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों की गहराइयों में पाई जाती है और ये बहुत ही नायाब भी मानी जाती है। इसे पहली बार आपको देखने पर ये सिलिकॉन की लगेगी। इसका चेहरा किसी खौफनाक इंसान जैसे लगता है। सबसे पहले इस मछली की खोज 2003 में हुई थी और 2013 में सबसे बदसूरत जानवरों के मुकाबले इसे पहला नंबर दिया गया था। द ब्लू ड्रैगन। इसे ब्लूइश रंग की वजह से और ड्रैगन इसकी बनावट की वजह से कहा जाता है। वैसे तो इसका ड्रैगन से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये छोटे छोटे ड्रैगन के जैसे दिखने वाले जानवर 1 से 1.5 इंच के होते हैं और ये पानी के ऊपर तैरते हैं। इनकी बॉडी का कलर ब्लू, ब्लैक, ग्रे और सिल्वर कलर के बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये ज्यादातर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। एक्सोलोटल। पानी में रहने वाला ये अजीब सा जानवर भी बहुत ही रेयर है। ये दुनिया के
सबसे मिस्टीरियस एनिमल में भी शामिल है। ये जानवर सिर्फ और सिर्फ मेक्सिको की एक लेक में पाया जाता है। ये क्रिएचर दिखने में किसी फेरी टेल मूवी का क्रिएचर दिखाई देती है। पानी के अंदर पैरों के साथ चलने वाला ये जानवर आधी मछली और आधी शिपकली का एक अनोखा मिलाप है। इसके अलावा इस जानवर की सबसे खास बात जो दूसरे जानवरों से सबसे अलग बनाती है वो है इसका रीग्रो होना। जी हाँ, इस जानवर का अगर कोई भी बॉडी पार्ट इसके बॉडी पार्ट से कट जाए तो ये उसे दोबारा रीग्रो कर सकता है, जो कि अनबिलीवेबल है। दोस्तों, इन क्रिएचर में आपको कौन सा क्रिएचर सबसे अजीब और खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही अमेजोन के जंगल में भी कई सारे खतरनाक जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में जानकर अच्छे अच्छों की होश उड़ जाते हैं। कुदरत का करिश्मा, दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, सबसे दुर्लभ जीवों का बसेरा। यहाँ जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दुनिया का सबसे सुंदर और खतरनाक जगह ये है अमेजोन का जंगल। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसका विस्तार दुनिया के सारे वर्षा वनों से सबसे अधिक है। यहाँ दुनिया के एक तिहाई जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे तरीके के दुर्लभ जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अमेजोन नदी से जुड़ा ये जंगल 5.5 करोड़ साल पहले से अस्तित्व में आया था। ये जंगल 5.5 मील स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, यानी कहें तो ये हमारे भारत से काफी बड़ा है। इस जंगल में लगभग 390 मिलियन पेड़ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लगभग 10 मिलियन प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरी पृथ्वी पर लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले अमेजोन के जंगल से ही होता है। यहाँ आदिवासियों की जनजातियाँ भी रहती हैं जो हमारी दुनिया से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती हैं। एक अनुमान से यह पता चला है कि यहाँ 40 लाख से भी अधिक आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत आज तक हमें नहीं मिला है। हम लोग सिर्फ उन आदिवासियों से अभी तक मिले हैं जो सिर्फ अमेजोन के जंगल के बॉर्डर पर रहते हैं, जो हमसे आसानी से घुल मिलकर बात भी करते हैं। अमेजोन के जंगलों में इतने लंबे और घने पेड़ हैं कि यहाँ सूर्य के प्रकाश को जमीन पर पहुँचने में घंटों लग जाते हैं और कहीं कहीं तो दिन में ही अंधेरा होता है। दोस्तों, आप अगर गलती से यहाँ पर आ गए तो आपको वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा और वापस जाने की बात ही भूल जाइए, क्योंकि इतने खतरनाक जानवर या ऐसे जीव आपको मिल जाएंगे कि आपको पलक झपकते ही आपकी जान निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जान निकल रही है। यहाँ हजारों की संख्या में चींटी, मकड़ी और सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अमेजोन के जंगलों में हजारों प्रकार के जड़ी बूटियाँ और अविश्वसनीय पेड़ हैं। यह जंगल हमारी दुनिया पर बहुखूबी असर दिखाता है। विज्ञान की माने तो अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी का सारा वातावरण खत्म हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में अमेजोन के जंगल पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। यह लगभग वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस जंगल में एक नदी बहती है, उसका नाम अमेजोन रिवर है, जो नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी चौड़ाई 146 किलोमीटर के आसपास है। इस नदी में इतने ज्यादा खतरनाक जीव पाए जाते हैं जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। इस जंगल में ऐसे कई खतरनाक सांप रहते हैं जो इंसान को एक ही बार में निगल सकते हैं, लेकिन अमेजोन रेन फॉरेस्ट हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इस जंगल में रहने वाले जानवरों से अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं।